मी आहे भंडी शेगावला, कारण या ठिकाणी ज्ञानेश्वर महाराजांचं नुकतंच रिंगण पार पडलंय. माझ्यासोबत आहे जर्मनीच्या अपर्णा घोष. त्यांनी लग्न केलंय भारतातल्या व्यक्तीसोबत आणि त्या आता भारतामध्ये आहेत आणि दिंडीमध्ये त्या दरवर्षी येतातच. आठ वर्ष त्यांचं झालेलं आहे पूर्ण. मी त्यांच्याशी थेट चर्चा करणार आहे आणि दिंडीचं महत्व त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहे. अपर्णा घोषजी, आपको क्या लगता है दिंडी के बारे में? दिंडी के बारे में मुझे वही चीज़ अच्छा लगता है जो सब एक हो जाते हैं और जात नहीं है और कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेम चाहिए और जो हम सब एक हो जाते हैं वो अच्छा लगता है. कोई भेद नहीं होता है. जरूर वो क्या बोलना चाहती हूँ, हम फिर घर जाते हैं लोग तब फिर कुछ भेद होता है. कोई ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के साथ शादी करेगा, वो तो ऐसा प्राय ऐसा होगा. लेकिन अभी बारी में हम सब एक हो जाते हैं और ब्राह्मण शूद्र के भी प्रणाम करते हैं और पाई पाते हैं. और मुझे अच्छा लगता है जो अचल भक्ति में कुछ जरूरत नहीं है. जितना हम हृदय प्रेम भर सकते हैं इतना विठ्ठल हमारे पास आएगा. और वो इतने अच्छे अवसर है पंडरी रस का पार और सारे संतों के साथ वो होना मुझे सबसे अच्छा है. और मैं भी बोलना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सोच लिया बारी के बारे में, क्यों जाना बारी. तो संत लोग तो बोलते हैं, एकनाथ महाराज बोलते हैं, साधना पैसारा पंडरी की बात क्यों इनको जरूरत है. तो सबसे आगे बोलना चाहती हूँ, अगर हम सच में विठ्ठल को चाहते हैं तो हम सब कुछ मालूम होना चाहिए विठ्ठल के बारे में. मैं भी दो साल आगे, सिर्फ जब मैं 10 साल आगे आ गए, 10 वर्ष झाले त्यांना, मैं आगे पंढरपूर आ गए और सिर्फ मंदिर में थी खाकर आरती शेज आरती सारे उत्सव किया. अब वारकरी लोग दूर से देख लिया दूर से, लेकिन तब मैंने तो देखा अभंग मेरे ज़्यादा आकर्षण था. अभंग में लिखा है आशारी कार्तिकी विसर नकुमाजा. सारे लोग बोलते हैं वारकरी अधिकारा मोक्ष से. जाना भाई बोलते हैं वारकरी का पाए मेरे मेरे सिर के सिर पर. तो अगर ऐसे होते हैं तो कुछ मुख्य होना चाहिए. और विठ्ठल खुद ही निमंत्रण करते हैं, बोलते हैं कुछ जरूरत नहीं है वो सारे शेतकारी के लिए वारकरी के लिए. दो बार बारी आना और मुझे हृदय में आलिंगन करना सब समय वो काफ़ी है और कुछ दूसरा नहीं चाहिए. वो मुझे अच्छा लगा. ये कितनी बारी आपकी? आठ वर्ष झालेत अपर्णाताईला वारी करतात. त्या जर्मनीच्या आहेत पण त्यांना पांडुरंगाच्या विठ्ठलाच्या दर्शनाची आस लागलेली आहे. पायी चालत येतात. मी तुम्हाला आळंदीपासून